अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला असाइनमेंट कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 1 में बच्चों को कुछ कंफ्यूजन थी। उसमें सबसे पहले तो ये कि जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ए माइनस बी, तो वो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ होगा ए स्लैश बी या ए डिवाइडेड बाई बी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें ए माइनस बी लिख के सॉल्व करें या ए स्लैश बी लिख के सॉल्व करें, माइनस की जगह स्लैश लगा दें आप, तब भी उसका आंसर वही आएगा, वो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मैंने आप लोगों को माइनस इसलिए करवाया था क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट में से भी ए को माइनस करवा रहे थे, तो अगर मैं आप लोगों को स्लैश एक नया कॉन्सेप्ट बता देती तो फिर आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजन हो जाती। माइनस करके लिखें या स्लैश डाल के लिखें, ये आप लोगों की मर्जी है, इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। ठीक है, तो हमारी जो थोड़ी बहुत डिस्कशन रह गई थी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, आज हम वो करेंगे और साथ साथ हम अपना चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी सिलेंडर ब्लैंक्स रहती थी और ट्रू फॉल्स रहते थे, मैंने कहा था मैं बाद में करवाऊंगी, तो आज हम वो करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 17 पर सिलेंडर ब्लैंक नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा है? इफ ए इज इक्वल्स टू ए टी ई, अब ये ए टी ई क्या है? ये ए का सेट है, सही है। आगे लिखा हुआ है एन, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि ए सेट के अंदर कितनी चीजें मौजूद हैं, यानी कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने लेटर्स मौजूद हैं, ए दो तीन, तो कितने हो गए टोटल? 3। ठीक है, इस तरह से करना है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इफ बी इज इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना, अब ये क्या है पूरा? ये सेट किसका है? ये बी का सेट है। आगे लिखा हुआ है एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब इसमें ये देखना है कि बनाना वर्ड के अंदर कितने लेटर्स मौजूद हैं। वैसे कितने लेटर्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन तीन, ये वाले तीन लेटर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ए भी मौजूद पहले से है और एन भी पहले से इसमें लिखा हुआ है, तो हमने रिपीट हो कि नहीं देखना, हमने वो देखना है कि पहले कितने मौजूद हैं। बी ए एन, ये हो गए 3, ए एन ए, ये सब रिपीट हो रहा है, ए भी दोबारा आ रहा है, एन भी दोबारा आ रहा है और ए भी दोबारा आ रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने सिर्फ वो देखना है जो कि पहले से मौजूद है, यानी कि रिपीट हुओं को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? बी ए एन 1 2 3, तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गए? 3। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सी इज इक्वल्स टू एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 10 से छोटे कितने नंबर्स होते हैं? पहले तो हमें ये बात बतानी चाहिए कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गए 10 से सारे छोटे नंबर। अच्छा, दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 10 से छोटा नंबर कौन सा है, तो आप दोनों सूरतों में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में इसका आंसर सेम ही आएगा। तो 10 से छोटे कितने नंबर होते हैं? 9, और 10 से छोटा नंबर कौन सा होता है? वो भी होते हैं 9। अच्छा, तो ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, ये भी बिल्कुल बनाना जैसा है, इसमें भी हमने रिपीट हुए हुए लेटर्स को नहीं देखना है, सही है, हमने देखना है कि कितने लेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं, एस एल ई वी, और बाकी सब रिपीट हो रहा है, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 4, यानी कि डी डी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद थे? 4। उसके बाद नेक्स्ट ई, एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, सबसे पहली बात तो ये कि ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह, और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, यानी कि वो नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं आसान अल्फाज में। ठीक है, तो 2 के डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? जाहिर सी बात है जो 2 के टेबल में आते होंगे, और 2 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं? देखिए, डिविजिबल का मतलब ये होता है कि उसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी कि उससे डिवाइड कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो 2 से कोई भी ऑड नंबर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है क्योंकि 2 खुद एक इवन नंबर है, तो 2 से कोई भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता है, और 0 का क्या मतलब है? कोई चीज है ही नहीं, खाली चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं हम। नंबर 1 है हमारे पास, 0 इज अ नल सेट। मैंने आप लोगों को बताया था नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो, यानी कि वो खाली सेट हो, एम्प्टी सेट हो, लेकिन अगर किसी भी सेट के अंदर 0 भी मौजूद है, 0 भी मौजूद है, तो वो नल सेट नहीं होगा। सही है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 खुद एक एलिमेंट है, भले ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही वो कुछ है नहीं, यानी कि अगर हम 1 लिखते तो फिर समझ भी आता, लेकिन 0 की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर 0 भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट इसमें अब भी मौजूद है, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसलिए ये नल सेट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यूनिट सेट होगा। यूनिट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट शामिल हो, ये बात आप लोगों को पता है, आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो जीरो इज अ नल सेट, बिल्कुल भी जीरो हो ही नहीं सकता नल सेट, क्योंकि सेट के अंदर अभी भी एक एलिमेंट मौजूद है, तो इसलिए ये फॉल्स है, हमने कहा ये फॉल्स है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये भी आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट हैं, दोनों सेट के अंदर तीन तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं, सही है, यानी कि दोनों सेट के अंदर बराबर बराबर एलिमेंट्स होंगे। अगर पहले सेट में तीन एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी तीन एलिमेंट्स होंगे, अगर पहले सेट में चार एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी चार एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों, दोनों सेट के अंदर बराबर बराबर चीजें मौजूद हों, बराबर बराबर लेटर्स मौजूद हों, बराबर बराबर नंबर्स मौजूद हों, ऐसे सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इक्विवेलेंट सेट जो है उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए हमने कहा ये ट्रू है। उसके बाद नंबर थ्री, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये इंटीजर्स होते हैं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, अच्छा नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर वगैरह वगैरह, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह वगैरह। अब ये कह रहे हैं द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर वगैरह वगैरह, क्या ये कभी खत्म होंगे? जी नहीं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को कहते हैं इनफाइनाइट, जिनको हम कभी काउंट ना कर सकें, जो कि कभी खत्म ही ना हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इनफाइनाइट। और अगर हमें मुद्दत मालूम हो कि इतनी मुद्दत के बाद ये खत्म हो जाएंगे तो फिर वो फाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं या फाइनाइट होते हैं? बिल्कुल इनफाइनाइट होते हैं। तो ये भी यही कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वो इनफाइनाइट होते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसलिए हमने कहा कि ये ट्रू है। अच्छा, कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनलिटी एक एबिलिटी होती है ग्रुपिंग करने की, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आप लोगों को लाइव ज्यादा बेहतर समझा सकूंगी, वैसे भी आप लोग अभी अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। कार्डिनलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की या किसी भी स्पेसिफिक चीज की, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की खसूसियत है कि वो कभी खत्म नहीं होंगे, सही है, उनका जितना भी बड़ा ग्रुप बनता जाए वो बढ़ते जाएंगे लेकिन कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं कार्डिनलिटी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर आंसर हम नल सेट में आ जाए, नल सेट में अगर इसका आंसर निकालें हम, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, ये बात आप लोगों को अब पता होगी या याद होगी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, लेकिन अगर किसी इंटरसेक्शन का आंसर नल सेट आ जाए, यानी कि खाली सेट हो, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ए सेट है और बी सेट है, आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप कब किस सूरत में उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, जब उन दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स हो, यानी कि सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। अगर सेम हो ही ना तो उसका सेट क्या करेंगे आप, खाली छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, अगर ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाए नल सेट, तो ए और बी के पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ए और बी के पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे, जाहिर सी बात है, खाली सेट लिखेंगे, इसलिए हमने कहा कि ये ट्रू है। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो हमने माइनस वाले क्वेश्चंस किए थे उसका मतलब डिफरेंस ही होता है, सही है। माइनस को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, सही है। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, यानी कि माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के अंदर जो भी चीजें कॉमन होती हैं उसको हटा के पहले सेट में जो बचा वो लिखते हैं, याद है ना, दोनों सेट के अंदर जो भी चीजें कॉमन होती है उसको हटा के जो पहले सेट में बचता है वो लिखते हैं उसका आंसर। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ये कह रहे हैं कि डिफरेंस और इंटरसेक्शन दोनों बराबर एक ही जैसी चीजें हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है ये बात। इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं और डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो भी कॉमन है उसको हटा के पहले सेट में जो बचा वो लिखते हैं हम, तो इसलिए हमने कहा कि ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर टू स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर टू है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पेज नंबर आप लोग देखें, पेज नंबर 19 पे ये स्टार्ट हो रहा है।
अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है ये वाली, ये आप लोगों को मिल जाएगी पेज नंबर 20 पे, और ये डेफिनेशन आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। सही है, सिलेबस का हिस्सा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपने असाइनमेंट में करना है, असाइनमेंट में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग जब इसको कोर्स ले लेंगे, जब कोर्स अवेलेबल होगा स्कूल में, तो क्या करेंगे आप लोग, जब आप अपना काम फेयर करेंगे तो तब ये डेफिनेशन आपने लिखनी होगी। और इसी तरह जब मैंने आपको सेट की डेफिनेशन समझाई थी, वो डेफिनेशन भी आपने अपने रजिस्टर के अंदर लिखनी होगी जब आप लोग कोर्स ले लेंगे तब। ठीक है, अभी फिलहाल ये बाकी बातें हैं। फिलहाल हम रेशनल नंबर्स को समझते हैं कि ये है क्या चीज। रेशनल नंबर्स का मतलब है, रेशनल नंबर्स, रेशनल के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है। आप गौर करें कि क्या वर्ड छुपा हुआ है, जब तक मैं भी कुछ करती हूँ। रेशनल के अंदर एक लव छुपा हुआ है। क्या वर्ड छुपा हुआ है, अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ जरा गौर कीजिएगा। रेशो, पढ़ा है कभी इसके बारे में? जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है, आप सिक्स क्लास में इसको पढ़ के आ चुके हैं। रेशो, रेशो का मतलब, रेशो हम कब लिखते हैं, जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं हम, जब भी हम दो चीजों को अपॉन में लिखते हैं या रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। रेशो का मतलब बीच में कॉलन लगा देते हैं और फिर लिख रहे होते हैं, तो हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात तो पता है ना, आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं सिक्स क्लास में। रेशो आपने पढ़ा होगा, रेशो क्या होता है। खैर, तो रेशनल के अंदर छुपा हुआ है रेशो। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस शामिल होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब प्लस माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री वगैरह वगैरह। ठीक है, और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस आप लोग वाकिफ होंगे फ्रैक्शंस से क्या होते हैं, जो अपॉन में लिखे जाने वाले नंबर्स होते हैं। आपने देखा होगा वैल्यूज जो होती है जो अपॉन में लिखी होती है, उनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, इसको देख लेते हैं हम। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे अपॉन में लिखे हुए होते हैं। अब यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग ऊपर नीचे भी लिखते हैं, लिखते हैं, देखते आ रहे हैं। टू अपॉन थ्री, माइनस थ्री अपॉन फोर, माइनस फोर अपॉन सेवन, माइनस फाइव अपॉन सेवन, ये सब कॉमन फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, फोर और टू, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, फोर के पास कुछ कोई साइन नहीं है, और जब भी किसी नंबर के पास कोई साइन नहीं होती तो कौन सी साइन होती है, प्लस की साइन होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टू के पास भी किसी की साइन नहीं है, यानी कि किसकी साइन है, प्लस की साइन है, छुपी हुई होती है प्लस की साइन। जब भी किसी नंबर के पास कोई साइन ना लगी हुई हो तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सी यहाँ पे प्लस की साइन लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जीरो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जीरो भी रेशनल नंबर होगा, भले से ये इंटीजर नहीं है लेकिन जीरो भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हमने क्या बात समझ ली है कि रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा इसके अंदर शामिल होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री वगैरह वगैरह। इसके अंदर शामिल होता है जीरो, और इसके अंदर शामिल होते हैं कॉमन फ्रैक्शंस, यानी कि आप लोग जिस तरह फ्रैक्शन लिखते हैं अपॉन की फॉर्म में, जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों रेशनल नंबर्स हैं या नेगेटिव इंटीजर्स क्यों रेशनल नंबर्स हैं। ये रेशनल नंबर्स इसलिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ था, अभी हमने देखा इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था, यानी कि क्या लिखा हुआ था, वन। जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हुआ हो तो उसके नीचे एक वन छुपा हुआ होता है। अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसके नीचे वन लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भी ये रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ये टू है, टू के अंदर भी, ये टू के नीचे भी कुछ नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब कि क्या छुपा हुआ था, इसके नीचे वन छुपा हुआ था। ठीक है, तो जब भी हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे हम इसके नीचे वन ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे वन हम लगा सकते हैं। वन दिखाई नहीं देता, वो भी छुपा हुआ होता है बिल्कुल प्लस की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, हम ये बात कर चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और कॉमन फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल नंबर नहीं होते। कौन से नंबर्स होते हैं ये,
वो तमाम नंबर जो कि रेशनल नंबर्स के अलावा हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई, क्योंकि यदि आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है आपको, इसीलिए थोड़ी बहुत इसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि ये होते क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए। द नंबर्स अदर देन रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि रेशनल नंबर्स के अलावा हो वो तमाम इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं भाई, इंटीजर्स भी इसके अंदर आ गए, कॉमन फ्रैक्शंस भी आ गए। तो अब क्या बचा, अब ये बचा देखते हैं। ये आपने देखा होगा, ये है स्क्वायर रूट, ये रूट की साइन है। अगर आपने सिक्स क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा होगा तो आप इससे वाकिफ होंगे, वरना आप इससे वाकिफ नहीं होंगे। ये होता है स्क्वायर रूट। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता। इसी तरह इससे भी आप वाकिफ नहीं होंगे शायद, इसे कहते हैं पाई, और ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पाई होता है, इसे आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी इसको ना छेड़ें तो बेहतर है, जब मैं आपको ज्योमेट्री समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या काम होता है और ये क्यों जरूरी है। और ऐसे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस अभी मैंने आपको बताया, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम, ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम अपॉन में लिखते हैं, वो होते हैं फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, वो भी इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो रेशनल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर क्या चीज है, जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसमें दो नंबर आ जाते हैं, एक तो होता है ऊपर वाला नंबर और एक होता है नीचे वाला नंबर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं कि ये न्यूमिरेटर है, और जो नीचे वाला नंबर होता है हम उसे क्या कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, न्यूमिरेटर, और नीचे वाला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ, जो कि है पेज नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, यानी कि नीचे दिए गए नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर्स हैं। ये तमाम नंबर्स आपको दिए हुए हैं आपकी बुक के पेज नंबर 22 पे, आप देखते रहिएगा साथ साथ। इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से रेशनल नंबर्स कौन से हैं। क्या 3 रेशनल नंबर होगा, ये पॉजिटिव इंटीगर है, सही, तो ये पॉजिटिव इंटीगर है, इसमें प्लस भी छुपा हुआ है, इसमें 1 भी छुपा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीगर है। इसी तरह 3/1, ये क्या है, कॉमन फ्रैक्शन। इसी तरह 3/0, ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, जीरो, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल भी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद नंबर फोर देखते हैं, -3/1, ये क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। इसके अलावा 0/3, मैंने कहा था कि ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे उनके जीरो आ जाए, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम नंबर्स जिनके न्यूमिनेटर में जीरो हो वो रेशनल नंबर्स होंगे, डिनोमिनेटर में हो तो नहीं होंगे, और अगर न्यूमिनेटर में हो तो होंगे। तो क्या ये होगा रेशनल नंबर, जी हाँ ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। उसके बाद नंबर 6 है -3/-1, क्या ये होगा रेशनल नंबर, बिल्कुल ये होगा रेशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद 0/0, इसके न्यूमिरेटर में भी रेशनल नंबर, इसके न्यूमिरेटर में भी जीरो है और डिनोमिनेटर में भी जीरो है। तो न्यूमिनेटर में तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर में भी तो जीरो है, डिनोमिनेटर में जिसके पास भी डिनोमिनेटर में जीरो होगा वो भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से रेशनल नंबर्स हो गए, 7 और 3 के अलावा तमाम नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 3/3/1, -3/1, -0/3, -3/-1, ये तमाम क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन शॉर्ट, तमाम वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में जीरो होगा वो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, और बाकी तमाम नंबर्स वो होंगे रेशनल नंबर्स, यानी कि इंटीगर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके साथ साथ फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शंस और जीरो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीगर्स। अब इसमें हमने क्या करना है, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में आपको उसको इंटीगर में कन्वर्ट करके लिखना है। इंटीगर मतलब उसका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, नीचे वाले नंबर हमें हटाना पड़ेगा और उसको इंटीगर, यानी कि चाहे पॉजिटिव दिया हुआ होगा तो पॉजिटिव इंटीगर में, और नेगेटिव दिया हुआ होगा तो नेगेटिव इंटीगर में लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको -5/1 लिखा हुआ है, -5/1, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको इंटीगर बनाना है तो इसका ये 1 खत्म करना पड़ेगा, और मैंने यही कहा था कि इंटीगर्स के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, और अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन
फ्रैक्शन के नीचे अगर वन लिखा हुआ है और अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वन हटा देंगे हम, यानी कि उसका वन छुपा देंगे, सही है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, माइनस फाइव, यानी कि वन कहाँ गया, इसको हमने छुपा दिया। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 21 अपॉन माइनस वन, अब बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा माइनस 21 अपॉन माइनस वन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 21 और माइनस वन, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला माइनस भी कैंसिल हो गया और उसके साथ साथ ये वाला माइनस भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया है हमारे पास 21 अपॉन 1। अब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस हमने खत्म कर दिया, माइनस का झंझट ही नहीं कोई, तो अब 21 अपॉन 1 बचा, अब हम इसका 1 आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे, इसको छुपा देंगे। 21, अगर 1 के अलावा इसके नीचे कोई और नंबर मौजूद होता तो तब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे इंटीजर में, लेकिन अभी 1 मौजूद है और 1 को तो हम छुपा सकते हैं, इसलिए हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 21। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब ये आपने पढ़ा होगा सिक्स क्लास में, मिस फातिमा ने आपको अच्छे से समझाया होगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये बड़ा मजा आता है इसको याद करने में। अच्छा ये होता कैसे, जब भी दो नंबर्स लिखे हुए हों और दोनों के पास सेम साइन हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि अगर दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स के पास प्लस की साइन हो तो उसका आंसर भी प्लस में आएगा। इसी तरह अगर दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स के पास माइनस की साइन हो तो उसका आंसर भी प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि सेम साइन है, ठीक है। लेकिन अगर दो नंबर ऐसे हो जिनके पास अलग अलग साइन, यानी कि एक के पास प्लस हो एक के पास माइनस हो, तो उसका आंसर आएगा माइनस में। इसी तरह अगर दो नंबर्स हो, पहले के पास माइनस हो दूसरे के पास प्लस हो, तो भी उसका आंसर आएगा माइनस में। इन शॉर्ट ये कि जब भी दो नंबर्स हो जिनके पास सेम साइन हो तो उसका आंसर आएगा प्लस में, और जिसके पास अलग अलग साइन हो उसका आंसर आएगा माइनस में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों को याद नहीं है तो, क्योंकि आगे सारा इसी का काम है पूरी मैथ्स में, या बस ये समझने कि आज से आपने इसका रट्टा लगाना है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है, वो तो मैंने समझाया ही नहीं। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देख लेंगे, पार्ट 1 समझ लेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमिनेटर इज 15 माइनस 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। न्यूमिनेटर का मतलब ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला नंबर। तो हमें ये बात पता है कि न्यूमिनेटर क्या है, 15 माइनस 4, जो कि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है, उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि न्यूमिनेटर क्या होगा 15 माइनस 4, और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर क्या होगा 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। अब हमें ये बात पता है न्यूमिनेटर 15 माइनस 4 है तो 15 माइनस 4 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 है तो 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 नीचे आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 15 माइनस 4 ऊपर आ गया, 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 नीचे आ गया, सही है। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 4 का मतलब क्या 11, 37 मल्टीप्लाई बाय 2, फिलहाल इस माइनस को हटा दीजिए, सही है। अभी समझने के लिए इसे हटा दीजिए, भूल जाइए कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं आंसर आएगा 74, ठीक है। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब इस माइनस का क्या हुआ, ऊपर तो आ गया 11 नीचे आ गया 74, लेकिन ये वाला जो माइनस है इसका क्या होगा, ये नीचे वाले आंसर के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुए और दोनों नंबर्स के पास अलग अलग साइन है, इसके पास कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सी साइन है, इसके पास प्लस की साइन है और इसके पास माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। इसीलिए मैंने आप लोगों को वो चार्ट अभी दिखा दी कि प्लस माइनस माइनस होता है, पहले नंबर के पास माइनस की साइन है, दूसरे नंबर के पास पहले नंबर के पास प्लस की साइन है, दूसरे नंबर के पास माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 74 आएगा, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा 11 अपॉन माइनस 74, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा जो बिल्कुल पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल इसी की तरह होगा, उसमें भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, आपको बस इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसका पार्ट 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द अबव रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उन्होंने कहा कि आपने जो अभी अभी रेशनल नंबर निकाला है ना, कौन सा रेशनल नंबर निकाला है 11 अपॉन माइनस 74,
उसको उसका डिनोमिनेटर आपने चेंज करके पॉजिटिव में लेकर आना है। अभी नेगेटिव दिया हुआ था, नेगेटिव निकाला है हमने, -74 नेगेटिव है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के अंदर। अब ये बात समझने वाली है कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 से क्या होता है 2, यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, ठीक है। अगर हम 74 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो क्या रहेगा, 74। बात समझ में आ रही है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर वही रहता है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल ये -74 है, इसका माइनस मुझे खत्म करना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि इसका माइनस खत्म हो जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, अभी देखेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, 11/-74 ये हम पहले से निकाल चुके हैं, सही है, ये अभी अभी हम निकाल चुके हैं और उसी को इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है, सही है। पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, यानी कि इसका जो नीचे वाला नंबर है इसको हमने प्लस में बनाना है, माइनस में लिखा हुआ है 11/-74। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसी नंबर के साथ, सबसे पहले तो हमने ये उतार लिया 11/-74, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, -74 को +74 बनाना है, तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन खाली माइनस के साथ नहीं करवा सकते, इसलिए हमें इसको 1 भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारे पास नंबर भी आ जाए और 74 की सेहत पे कोई असर भी ना पड़े। कैसे, ऐसे। अभी फिलहाल इसको नहीं देखिए, ऊपर वाले -1 को नहीं देखिए, पहले नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाला -1 क्यों लिखा है, ताकि ये 74, पहले तो 1 क्यों लिखा है मैंने, ताकि 74 की सेहत पे कोई असर ही ना पड़े। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे 74 माइनस में लिखा हुआ था, मुझे प्लस में चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कुछ समझ में आ रहा है। अब जब भी हम नीचे वाले नंबर को -1 के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि अगर मैंने इस -74 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर वाले नंबर को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएगा, सही है, कि उसको करवा दिया मुझे नहीं करवाया। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 74 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इसका माइनस खत्म करना था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि 11 इसको तो छोड़ ही दीजिए अभी फिलहाल, मुझे चाहिए था प्लस का 74, क्या प्लस का 74 आ गया, कैसे आया, 74 बन जा 74, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाया। बस समझ में आई। अब ऊपर वाले नंबर को भी उसके साथ करवाया था, उसके साथ जो हो रहा है होने दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, बस हमें नीचे वाले नंबर को प्लस में लेकर आना था, हम प्लस में लेकर इसको आ चुके हैं। 11 प्लस है इसके पास और इसके पास है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। हमें पॉजिटिव 74 चाहिए था, हमने पॉजिटिव 74 लाके उनको दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस -3/7 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है यानी कि -3/7 जो दिया हुआ है, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, -3। इस -3 को हमें नीचे दिए गए नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। -3 लिखा हुआ है, इसको हमें 6 बनाना है। अब मुझे पहले ये बता दीजिए कि अगर, जैसे मैंने भी आपको कहा कि 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका आंसर आया 2, और अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? आसान अल्फाज में 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 3 2 जा होता है 6, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 6 आ जाए, 2 से करवाएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे कि हुआ वगैरह, ये सब पहले से रेडी है, ठीक है। हमने उतार लिया -3/7 जो कि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन था। अब इस -3 को हमने, क्योंकि ये न्यूमिरेटर है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है 6 के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। अगर हम इस 3 को, यानी कि इस -3 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर -6 आएगा, क्योंकि 2 होगा और 2 के पास होगी प्लस की साइन, अगर खाली 2 हम लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और इसका आंसर आएगा -6। कैसे देखते हैं, मैंने इसको -2 से इसीलिए मल्टीप्लाई करवाया ताकि मुझे प्लस का 6 मिल सके, 3 2 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस, अगर मैं इस 2 के साथ माइनस ना लगाती तो क्या होता, माइनस प्लस माइनस हो जाता, हमें माइनस का 6 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो प्लस का 6 चाहिए, इसीलिए मैंने इस 2 के साथ माइनस लगाया है, ठीक है। अच्छा, -3/7 ये हमने पहले से ही लिखा हुआ था, यानी कि क्वेश्चन में पहले से गिवन था। 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई करवाया -2 से ताकि हमें पॉजिटिव 6 मिल सके,
जब ऊपर वाले नंबर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे वाले नंबर को भी माइनस टू से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब उसके साथ जो होता रहे, हमें सिर्फ कोई गर्ज नहीं है, कोई परवाह नहीं है इसकी, बस हमें ऊपर वाले नंबर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, यानी कि उसको सिक्स बनाना है। ठीक है, थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वाले नंबर के साथ क्या हुआ, सेवन टू जार फोर्टीन और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब नीचे वाले नंबर से हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस हमने ऊपर वाले नंबर को सिक्स बनाना था और हमने वो सिक्स बना दिया। नीचे वाले नंबर के साथ जो भी होता रहे, इसमें ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका सही आना चाहिए, सही है, लेकिन इतनी इसमें वो बात नहीं है कि ऊपर वाला सिक्स आ गया नीचे वाला क्यों आया। नीचे वाला तो सिक्स आना ही नहीं था, नीचे वाला तो उन्होंने बताया ही नहीं था, बस उन्होंने कहा था आप न्यूमरेटर को सिक्स लाकर दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट माइनस फिफ्टीन। माइनस फिफ्टीन लिखा हुआ है, यानी कि हमने माइनस थ्री अपॉन सेवन को फिफ्टी माइनस थ्री को फिफ्टीन बनाना है, माइनस का फिफ्टीन बनाना है। सबसे पहले तो माइनस थ्री अपॉन सेवन आ गया जो कि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन था। अब इस थ्री को मैंने फिफ्टीन बनाना, तो थ्री के टेबल में फिफ्टीन कम आता है फाइव टाइम्स, थ्री फाइव जार फिफ्टीन। तो क्या हम इस माइनस के थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मैंने इस फाइव के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया? ऊपर वाले के साथ तो मैंने माइनस लगा दिया था, इसके साथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे चाहिए ही माइनस का फिफ्टीन, मुझे प्लस का फिफ्टीन नहीं चाहिए। अगर मैं इस फाइव के साथ माइनस के साइन लगा देती तो क्या हो जाता, ये थ्री फाइव जार फिफ्टीन तो आ जाता, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता, और मुझे प्लस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? माइनस। तो इसलिए इसके साथ प्लस लगाने की माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थ्री फाइव जार फिफ्टीन जो कि हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, और सेवन फाइव जार क्या होगा? थर्टी फाइव। थ्री फाइव जार फिफ्टीन, सेवन फाइव जार थर्टी फाइव। अभी माइनस कहाँ से आया? यहां से आया है माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद माइनस का फिफ्टीन चाहिए था, माइनस का फिफ्टीन आ गया। नीचे वाले नंबर के साथ जो भी होता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं। उसके बाद एक्सप्रेस माइनस टू अपॉन फाइव एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। अब पहले वाले में हम क्या कर रहे थे? न्यूमिरेटर निकाल रहे थे। अब हमें क्या निकालना है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को चेंज करना है हमें। सही, डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है? नीचे वाला नंबर होता है। क्या बनाना है इसको? पार्ट वन में कहा हुआ है फाइव बनाना है आपने, यानी कि माइनस टू अपॉन माइनस फाइव लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में मौजूद है माइनस फाइव। अब इस माइनस फाइव को आपने कन्वर्ट करना है प्लस के फाइव में। और अभी मैंने आपको बताया अगर किसी भी नंबर की सेहत पे कोई असर ना डालना हो तो हम उसको क्या करते हैं? वन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस को प्लस में चेंज करना है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो हम वैसे ही उतार लेंगे, यानी कि माइनस टू अपॉन फाइव। अल्लाह, पहले पूरा पेज रेडी होगा। अच्छा, माइनस टू अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव आ गया, ये आ गया माइनस टू अपॉन फाइव। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है। डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? माइनस का फाइव। इसको हमें बनाना है प्लस का फाइव, फाइव फाइव ही रहना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? वन से। लेकिन इस फाइव का माइनस खत्म होना चाहिए, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। ये आ गया। अब नीचे वाले नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर वाले को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइव वन जार फाइव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया फाइव, हमें फाइव चाहिए था, फाइव आ गया। टू वन जार टू, माइनस माइनस प्लस। अब इस टू के साथ कुछ भी होता रहा, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें बस नीचे वाले नंबर को उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना था, हमने वो पहुंचा दिया। फाइव वन जार फाइव, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। माइनस फिफ्टीन बनाना है नीचे वाले नंबर को, यानी कि माइनस फाइव को माइनस फिफ्टीन बनाना है। पहले हमने वही वाली वैल्यू उतार ली जो कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दी हुई थी, माइनस टू अपॉन माइनस फाइव। अब इस माइनस के फाइव को हमें कन्वर्ट करना है माइनस के फिफ्टीन में। तो सवाल ये पैदा होता है कि फाइव के डब्ल्यू में फिफ्टीन कब आता है? फाइव थ्री आर फिफ्टीन, तो हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे वाले नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी थ्री से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फाइव थ्री आर फिफ्टीन और माइनस प्लस माइनस, मैंने थ्री के साथ माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं माइनस लगाती तो मुझे प्लस का फिफ्टीन मिलता। ठीक है, ये जब आप लोग खुद लिखेंगे ना बैठ के तो तब आप लोगों को समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर। अच्छा, टू थ्री आर सिक्स, माइनस प्लस माइनस। अब ऊपर वाले नंबर के साथ जो भी होता रहा हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। फाइव थ्री आर फिफ्टीन, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब इसको डिनोमिनेटर को हमने चेंज नहीं करना है बल्कि इसकी साइन को चेंज करना है, यानी कि अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो हमें उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। अब पहले दिया हुआ है माइनस सेवन अपॉन वन, अब ये माइनस सेवन अपॉन वन लिखा हुआ है, इसका माइनस लगा हुआ है बीच में। अब मुझे नहीं पता, अच्छा माइनस कहीं भी लगा हुआ हो अब वो दोनों का होता है, यानी कि वो ऊपर का भी हो सकता है, वो नीचे वाले का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये बीच में लगा हुआ है, अब हम इसको ऊपर तो शिफ्ट नहीं कर सकते,
सही है, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर वैसे ही पॉजिटिव है, तो हम इसको मजीद क्या पॉजिटिव बनाएंगे, सही बात है ना। तो इसीलिए हमने जो आगे नंबर लिखा है 1/1, उसके साथ हमने माइनस बीच में लगाया, उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए बीच में माइनस लगा कर दिया था, हमने उन्हें कंफ्यूज करने के लिए बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद नंबर टू है -5/-2, -5/-2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, -2, इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, -2 नेगेटिव में, हम इसको पॉजिटिव में लेकर आना है, तो हम पॉजिटिव में लाने की क्या करेंगे, -1 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। -5/-2 लिखा हुआ है, -2 को हमें पॉजिटिव में लेकर आना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से, नीचे वाले नंबर को -1 से करवाएंगे तो ऊपर वाले को भी -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सही बात है ना, वरना वन रास हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, -± प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 × 1 = 2, -± प्लस, हमें नीचे वाले नंबर को पॉजिटिव बनाना था, हमने उसको पॉजिटिव बना दिया, बाकी सारे पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग छोड़ दीजिएगा, वो मैं आप लोगों को क्लास में खुद ही करवाऊंगी, क्योंकि उसमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद नंबर प्लेस करने हैं, तो इस तरह आप लोगों को समझ में वो आएगा नहीं, ठीक है। तो दुआ कीजिए जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए, आमीन। अच्छा, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर, सबसे पहली बात तो ये, अच्छा वो पूछते हैं कि क्या ये दोनों सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाकई ये रेशनल नंबर्स हैं भी या नहीं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इसके अलावा जीरो भी रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -2/3 और 2/-3, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शंस लिखे हुए, तो क्या ये रेशनल नंबर है, जी हाँ ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, बस नेगेटिव, बस साइन का इसमें फर्क है, पहले ऊपर साइन लगी हुई है उसके बाद नीचे साइन लगी हुई है। तो क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ ये दोनों सेम है। क्या ये दोनों रेशनल नंबर है, जी हाँ ये दोनों रेशनल नंबर है। क्या ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, जी हाँ ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, जब साथ में उसके माइनस लग गया तो ये नेगेटिव है। तो क्या ये दोनों सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, जी हाँ ये बिल्कुल दोनों सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका चाहें तो माइनस बीच में लगाएं, ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, कहीं भी लगाएं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर आएगा यस, -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट दी सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। आज का काम आप लोग का यहीं तक है, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को वहीं के वहीं आपको जवाब दे दूँ। उसके बाद आपका होमवर्क आ गया, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरह है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और 4, और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 और 4, ये टोटल हो गए 9 क्वेश्चंस, और ये आप लोगों ने करने हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। बस जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए वो आपने खुद एक दफा बैठ के लिखने हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, या वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोगों को सही लगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी था, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।